हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज 5 अप्रैल है। आज लाइट बुझा के कैंडल टॉर्च लाइट सब जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कमिंग टू आवर वीडियो, कल के वीडियो के बाद मुझे कुछ कमेंट्स मिले जिसमें कुछ टेक्निकल बातें थी, कैमरा प्लेसमेंट, ये फ्रेम एटसेट्रा एटसेट्रा, और कुछ कंटेंट के ऊपर फीडबैक था। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि इस मूवी में, इस वीडियो में डाल सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल वर आस्किंग कि उन्हें कुछ चक दे इंडिया टाइप मूवी के बारे में बताया, जो कि कोच सेंट्रिक हो, कोच के फ्रेमवर्क से हो, या कोच थ्रू, इंग्लिश में कहावत है, थ्रू द ग्लासेस ऑफ अ कोच हो। सो आई एम ट्राइंग टू फॉलो इट। द वेरी फर्स्ट मूवी वॉज चक दे इंडिया, जो काफ़ी लोगों ने मेंशन किया था अपने कमेंट में कि हमें उस टाइप की मूवी चाहिए, और दूसरी मूवी थी कोच कार्टर। सो आई थॉट कि मैं थोड़ा कोच कार्टर के बारे में पहले मेंशन करूं। हालांकि ये मूवी मेरे रिकमेंडेशन का पार्ट नहीं है, ये ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर मूवी है और आई एम होपिंग कि आप सब में काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पहले से देख रखी हो। कोच कार्टर एक स्टोरी है, हाउ कोच जो स्पोर्ट्स के थ्रू अपने प्लेयर्स को डिग्निटी से इंट्रोड्यूस करता है, हाउ वो प्रेजेंट करता है कि स्पोर्ट्स स्पेशली बास्केटबॉल, हाउ इट इज़ पार्ट ऑफ अ प्रिविलेज सोसाइटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सैमुअल एल जैक्सन की मूवी है, रिलीज ईयर आई थिंक 2005 है, और स्टोरी सेटअप 1999 का है। अच्छी मूवी है, अगर नहीं देखी तो आप सब देख सकते हैं। और नाउ माई रिकमेंडेशन, आज मेरी दो रिकमेंडेशन है। पहली है बिलीव इन, बिलीव इन मी इज वेरी ब्यूटिफुल मूवी, 1960 के दशक में सेटअप है, एंड ये रिलीज डेट 2005 है, जो एक अनदर कमेंट था कि बहुत ज़्यादा पुरानी मूवी नहीं देखना चाहते। एक्चुअली पीपल पुरानी स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं, बट उसका जो मेकिंग प्रोसेस है या टेक्नोलॉजी यूज है, वो चाहते हैं कि अभी मॉडर्न हो। सो मैंने इस मूवी में ट्राई किया है, इस वीडियो में ट्राई किया है कि मैं ऐसी मूवी लाऊँ। मुझे दो ऐसी मूवी मिली, पहले का नाम है बिलीव इन मी। ये एक ऐसे कोच की स्टोरी है जिसके लाइफ ठीक ठाक चल रही होती है, वो एक डिसेंट लेवल का कोच है, और यूएस में वो एक छोटे से शहर में जाता है एज अ हेड कोच। उसके पास असिस्टेंट कोच का ऑफर काफ़ी है, लेकिन वो हेड कोच जाना चाहता है। वहाँ जाने के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह होती है कि स्कूल के प्रिंसिपल, जो कि उस टाउन के फाउंडिंग फादर हैं, ऑरलैंडो स्टेट ऑफ यूएसए में ये बेस्ड है, वहाँ उसे दो ऑप्शन प्रेजेंट किया जाता है, या तो वो जॉब छोड़ दे, और साल का मिड चल रहा है सो उसके पास एक साल तक कोई जॉब ऑफर ना हो, और सेकंड होता है कि वो वुमेन्स टीम को कोच करे। सो प्रिंसिपल का यह थॉट है कि हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, 1960s की मूवी है, सो उस टाइम की जो अमेरिकन सोसाइटी थी उसको काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। ऊपर से ऑरलैंडो काफ़ी मतलब वहाँ का काफ़ी बैकवर्ड सा स्टेट है, कोई वहाँ के टॉप स्टेट्स में नहीं आता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ऑल। सो हाउ ही अप्रोच टू द इशू, ये अपना जॉब रखने की कोशिश करता है और वुमेन्स टीम को कोच करता है। ये स्टोरी एक प्रोग्रेशन के साथ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक सीजन में या 6 महीने में 8 महीने में कोच टीम को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता था, ऐसा नहीं है। ये 2 साल का प्रोसेस दिखाया गया है, एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट मूवी कि ये फेमिनिज्म को टच करता है, द रियल फेमिनिज्म, कि अगर वुमेन को किसी सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, एंड वेन दे फाइंड कि उन्हें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हाउ दे अप्रोच, किस तरह से वो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने का डिसाइड करते हैं। एक बहुत खूबसूरत मूवी है और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, रिगार्डिंग इंडियन फेमिनिज्म, ये वैसा नहीं है, इट्स मोर अबाउट बिगनिंग ऑफ फेमिनिज्म, और बहुत उस समय का जो सोसाइटी था, किस टाइप की सिचुएशन थी, 1960 में अर्ली मैरिजेस का ट्रेंड था यूएसए में, उसको भी कवर किया है इसने। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, और एक बहुत अच्छी मूवी है, बिल्कुल लो प्रोफाइल, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस मूवी को देखें। सेकेंड मूवी जो कि आज के रिकमेंडेशन में मैं इसे बेस्ट मूवी कहूँगा, यह है मैकफार्लैंड यूएसए। ये एक स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब उसके कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्शन होता है जो मोमेंटरीली होता है, बट उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो दिस गाय इज़ फायर्ड मेनी अ टाइम्स,
और फाइनली उसके पास एक ऑप्शन होता है कि यूएसए के वन ऑफ द सबसे छोटे शहर मैकफार्लैंड में, नॉट शहर भी नहीं, एक टाउन है, वहां जाके वो करियर स्टार्ट करता है, वो फैमिली को लेके पहुंचता है। और ये इतना बैकवर्ड स्टेट है कि यहाँ पर मैक्सिकन या इंडियन अमेरिकन, अमेरिकन इंडियन वो है जो वहाँ के एक्चुअली रहने वाले हैं, उन सबसे रिलेटेड स्टोरी है। और वहाँ जाके भी फिर उससे ये गलती होती है कि वो अपने से सुपीरियर बॉस के क्वेश्चन, डिसीजन को क्वेश्चन कर देता है, एंड ही टेक्स इट पर्सनली, एंड उसको वो पोस्ट छोड़नी पड़ती है, असिस्टेंट कोच ऑफ अमेरिकन फुटबॉल, जिसको हम लोग रग्बी भी बोलते हैं, बट थोड़ा रूल डिफरेंट होता है अमेरिकन फुटबॉल में, दे पुट गियर्स एंड ऑल, रेगुलर रग्बी जो थ्रू आउट वर्ल्ड होता है उसमें गियर्स वगैरह यूज नहीं होते हैं। सो बट उस शहर की खासियत यह है कि कोच के टॉप बॉस बिल्कुल नहीं चाहते कि वो वहां रहे, लेकिन उसको फिर भी फायर नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, स्कूल में स्टाफ बहुत कम है, लोग माइग्रेट नहीं करना चाहते हैं, और होम टाउन के जो स्टाफ है या जो कॉमन क्राउड है वो कॉलेज गोअर्स नहीं है, उन्होंने शायद ही पूरी मूवी में कोई है जितने कॉलेज गया हुआ है, ये कहानी इस तरह सेटअप होती है। और ये कोच रहता है जैसा मैंने कहा अमेरिकन फुटबॉल का, बट वो वहाँ लोकल पीपल को देख के उसे रियलाइज होता है कि यहाँ की जो जो रेगुलर क्राउड है, जो स्टूडेंट है, जो लॉट है उसके पास, वो दूसरे गेम में काफी अच्छा होगा, एंड वो गेम है क्रॉस कंट्री। हाँ ये यूएस में गेम है और इट्स अ वेरी रेगुलराइज्ड, वेरी वेल नर्चर्ड गेम है, क्रॉस कंट्री मैराथन नहीं होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है बट 42 किलोमीटर्स टाइप नहीं होता है, 5, 10 और 15 माइल्स के ऊपर होता है। सो व्हाट हैपेंस कि वहाँ के लोगों के डे टू डे लाइफ काफ़ी हार्ड है, वहाँ आप देख सकते हैं कि अमेरिका में किसान कैसे होते हैं या किसान के लेबर्स कैसे होते हैं, ज़्यादातर लेबर की स्टोरी है किसान में, उनकी लाइफ कैसे चलती है ये अगर आपको ये देखना है तो ये बहुत अच्छी मूवी है, इसमें बहुत अच्छे से कवर किया गया है, चाहे बंदा गोभी की कटाई हो या फिर संतरे की खेती कैसे करते हैं, ये सब चीज़ काफ़ी अच्छे से, या फिर अपना बादाम आलमंड उसके बारे में बताया गया कि कैसे उसको, किस तरह से वो मैनुअल प्रोसेस उसका क्या है। मूवी की एक अगला साइड ये आता है कि कोच को भी आइडिया नहीं है कि क्रॉस कंट्री में कैसे चीजें चलती हैं, मतलब किस तरह टूर्नामेंट होते हैं, जो भी एसोसिएशन रिलेटेड चीज है, कैसे क्वालिफाई करते हैं, क्या रूल्स हैं, तो इसमें कोच की भी नई लर्निंग है क्योंकि ये भी उसका नया गेम है, उसने कभी भी ये गेम नहीं खेला है और न कभी पार्टिसिपेट किया है, न कभी कोच का तो कभी किया ही नहीं होता है। सो वो डिसाइड करता है कि लोकल लड़के वहाँ पे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है या तो शेयर ऑटो टाइप है, जो कि शेयर ट्रक कहना चाहिए, मिनी ट्रक, और दूसरा है कि या वो एक दूसरे से दूसरी जगह ऑन फुट जाते हैं। सो जो यंग क्राउड है, जो स्टूडेंट है, वो ऑन फुट का मतलब अपने टाइम को बचाने के लिए वो रन करके जाते हैं। सो 80-90% प्रिपरेशन उनका स्पोर्ट्स के बारे में जानने से पहले ही हो रखा होता है। सो कोच उसमें टेक्निकल चीज समझता है कि हाँ इस गेम में क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ एलिवेटेड रनिंग करनी है, माउंटेन रनिंग टाइप, और इन सब चीज़ों को समझते हुए वो एक टीम बनाता है, एंड दैट टीम विंस द 1987 चैम्पियनशिप। इतना ही नहीं, ये एक स्टोरी है, हालांकि स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, बट एक आगे का दिखाते हैं कि अगले 14 साल में वो कोच उसी शहर में उसी स्कूल में रहता है और उसे फैमिली टाइप फीलिंग आती है, ये उसका रहने का मोटिवेशन है। सो अगले 14 साल में 9 बार वो ऑल यूएस चैम्पियंस बनते हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी गुड मूवी, डू वॉच इट, और प्लीज हमारा और आपका इंट्रैक्शन बने, इसलिए आप कमेंट कीजिए और मुझे और जॉनर या और किस टॉपिक से रिलेटेड आप मूवी देखना चाहते हैं ये बताइए, आई विल ट्राई कि मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूँ। थैंक यू, बाय।